खबर महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में दो लोगों के बीच किसी जगह पर खड़े होने को लेकर विवाद हो गया और इसके बाद एक शख्स ने अपनी कार दूसरे शख्स पर चढ़ा दी। वीडियो महाराष्ट्र के डोंबिवली इलाके का है, जहां देखिए किस तरह से एक शख्स भाग रहा था और उसके पीछे एक कार आ रही थी। वीडियो देखने से लग रहा है कि कार में मौजूद शख्स किसी भी तरह सड़क पर भाग रहे शख्स पर अपनी कार चढ़ा देना चाहता है। इस बीच कार से टक्कर के बाद भाग रहा शख्स जमीन पर गिर जाता है और आसपास मौजूद लोग चिल्लाते हुए कार में मौजूद शख्स को रोकते हैं। मौका पाकर जमीन पर गिरा शख्स उठकर सड़क के दूसरी ओर भागकर अपनी जान बचाता है। पूरा वाकया वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो जाता है, जिसके आधार पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। इंस्टाग्राम पर अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए कुछ स्कूली छात्रों ने जो तरीका अपनाया वो इन दिनों सुर्खियों में छाया हुआ है। वीडियो पर पुलिस ने भी एक्शन लिया है। मामला दिल्ली के न्यू अशोक नगर के एक सरकारी स्कूल का है, जहां 10वीं क्लास के 3 छात्र रील बनाने के लिए एक स्कूल में हथियार लेकर पहुंचे। उन्होंने क्लासरूम में एक टीचर की मौजूदगी में हथियार दिखाते हुए एक रील बनाकर इंस्टाग्राम पर अपलोड कर दी, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। वायरल वीडियो पर एक्शन लेते हुए स्कूल ने इन छात्रों को स्कूल से निकाल दिया। तीनों छात्रों के पास 8 चाकू व 3 लोहे के पंच बरामद हुए हैं। दिल्ली पुलिस ने हथियार जब्त कर लिए हैं। अब छात्रों को किशोर न्याय बोर्ड के सामने पेश किया जाएगा। एक ट्रेन में अचानक सांप दिखने से लोग सहम गए। बोगी में मौजूद यात्रियों ने भी सांप को पकड़ने की पूरी कोशिश की। तस्वीर जबलपुर मुंबई गरीब रथ एक्सप्रेस ट्रेन के ACG 17 कोच की है, जहां अचानक सांप निकलने से लोग खौफ सदा हो गए। माना जा रहा है कि कसारा होम के पास जब ट्रेन खड़ी थी, उसी वक्त ये जंगली सांप बगल के पेड़ से ट्रेन के अंदर आ गया। पहली बोगी में मौजूद लोगों ने ब्लैंकेट के जरिए सांप को ट्रेन से बाहर फेंकने की कोशिश की। ऐसा करते हुए ब्लैंकेट तो बाहर गिर गया, लेकिन सांप AC पैनल में चला गया। सूचना मिलने पर रेल अधिकारियों ने यात्रियों को दूसरे कोच में भेजकर G17 कोच को लॉक कर दिया। इस बीच ट्रेन का परिचालन जारी रहा।